क्या दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है 4 मार्च, फुलेरा दूज, और फुलेरा दूज के दिन ख़ास तौर पे राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूजा में ख़ास तौर पे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या फिर जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई आती है, तो फुलेरा दूज के दिन ख़ास इसका महत्व होता है। अब फुलेरा दूज पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हैं राधा कृष्ण जी को आज के दिन गुलाल लगाते हैं, और आज के दिन जो होली के बड़बूले हैं, गुलरियां हैं, वो आज ही के दिन से बनाना शुरू कर देते हैं। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल चढ़ाने चाहिए, और आज के दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर ख़ास तौर पर दर्शन करने चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएँ राधा कृष्ण जी को चढ़ानी चाहिए, और जिनका मतलब आज यदि आप चाहें तो इस दिन विवाह बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं, यदि आप कोई रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। दूसरा है कि आज के दिन गाय को भी भोजन कराना चाहिए, ख़ास तौर पे आज के दिन ख़ास महत्व होता है गाय को चारा खिलाने का। अब आज के दिन क्या खाना चाहिए, सबसे पहले सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री मिलाकर खाना चाहिए। आज के दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ ही मांसाहार के साथ ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज के प्रयोग से भी आज के दिन जो फुलेरा दूज पे ख़ास तौर पे अबूझ मुहूर्त है, इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ जैसे फुलेरा दूज के दिन जिन भी चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज, नशीली मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। और फुलेरा दूज का दिन प्यार का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने प्रेमी के साथ जाकर राधा कृष्ण के मंदिर जरूर जाना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए आज के दिन, और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये थी खास जानकारी। कि आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।